मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गौसम में। प्रियंका चहर चौधरी ने अंकित के साथ आने वाले बड़े प्रोजेक्ट का किया है खुलासा। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस प्रियंका चहर चौधरी से काफी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप जब सलमान खान से मिली थी तब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सलमान खान ने बोला था कि शाहरुख खान के साथ आप जाके मिलो, उनके साथ आपको कुछ काम है और वो आपको मूवी में चांस देने वाले हैं। एक वेबसाइट ने भी लिखा था और हमने भी आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी, जहां पर प्रियंका ने जवाब दिया है कि ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है जो वेबसाइट ने लिखा था। मैंने खुद अपने पीआर को बोला है कि उस वेबसाइट से बात करो कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इवन मैं अभी बाहर से अंदर से बाहर आई हूँ, लोगों को समझ रही हूँ, नींद नहीं हो पा रही है पूरी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पार्टीज वगैरह चल रही है, मैं इसी में लगी हुई हूँ। अभी तक मैंने प्रोजेक्ट के बारे में कोई कुछ चीज़ें देखी तक नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सरासर फेक है, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, मुझे नहीं पता तो लोगों को कैसे पता चल गया है। तो इसी बीच में जो है प्रियंका से ये पूछा गया कि आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं क्या कुछ, जहां पर प्रियंका ने बोला कि मुझे काफी सारे इवन रियलिटी शोज, काफी सारे शोज और बहुत ही अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो मिल रहे हैं, पर मुझे मिले हैं पर मैं अभी कंफर्म कुछ चीजें मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि 7-8 दिन के बाद ही मुझे उनके बारे में पूरी कंफर्म अपडेट जो है वो मिलेगी और उसके बाद ही मैं बोल पाऊंगी, उससे पहले जो मैं उसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी बात नहीं कर सकती हूँ। फिर अंकित गुप्ता के बारे में पूछा गया कि अंकित के साथ आपके कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो प्रियंका ने बोला कि देखो अंकित के साथ भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो ऑफर हुए हैं, पर अभी भी कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं है, जैसी ऑफिशियल होगी वो आप लोगों को पता चल जाएंगे, पर हाँ भाई आएगा तो ज़रूर अंकित के साथ एक प्रोजेक्ट प्रियंका का, ये प्रियंका का कहना है। बहुत जल्दी जो है ये सब चीज़ें सामने आने वाली है और सही बात है यार, अभी तो बाहर आए हैं, फोन तक चलाना नहीं आता, लोगों से मिल रही हैं, बहुत सारी बातें हैं वो करना है, दोबारा से एक रिटर्न होता है जिंदगी में। 7-8 दिन के बाद तो एटलीस्ट प्रियंका को वो चीजें समझ में आने लगेगी कि भाई क्या प्रोजेक्ट मिले, किसके साथ क्या बात करनी है, लंबे खींचे जाते हैं, उसके बाद ही प्रियंका आखिरकार बोल पाएगी और प्रियंका को बहुत सारा काम मिला है। गाइस कांग्रेचुलेशन प्रियंका, आप भी बोल सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।